स्पेशल भी प्लीज। फ्रंट में आएंगे जी। मामला जो है वो 27/10/2016 का मामला है। मामला थाना सिविल लाइन से जुड़ा हुआ है और भारी मात्रा में जो है चरस का कारोबार करने वाले तस्करों से जुड़ा हुआ मामला है। इस दिन जो है थाना अधिकारी जो लक्ष्मण राम थे उनको मुखबिर से इतला मिली कि 7 लोग जो हैं बस स्टैंड पर खड़े हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति कश्मीरी व्यक्ति हैं जो चरस बेचने की फराक में खड़े हुए हैं। इस पर लक्ष्मण राम जी अपने जाफ्ते के साथ के अंदर केंद्रीय बस अड्डे अजमेर पहुँचे, जहाँ पर पहुँचने पर पता पड़ा कि एक कार के पास में 7 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि चरस जो है मादक पदार्थ को बेचने की फिराक में, जिस पर उन सबकी अलग अलग तलाशी ली गई तो सबसे भारी मात्रा के अंदर अलग अलग चरस बरामद हुई, जो कुल सभी की मिलाकर चरस की जो मात्रा थी वो 13 किलो से भी अधिक की मात्रा थी और उस पर उन सबसे माल बरामद किया गया। और बाद में मालूम पड़ा कि उक्त चरस को उक्त आरोपीगण जो है कश्मीर से लेकर आए थे और कश्मीर से गुजरात में वो बेचने की फिराक में थे। और इस दौरान केंद्रीय बस अड्डे पर सारे आरोपी पकड़े गए, जिनमें से 2 कश्मीरी थे और 1 नाबालिग था। उनमें से 6 लोगों की जो ट्रायल है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो NDPS न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश हैं श्री अनूप कुमार सक्सेना जी की अदालत में मामला चला और संपूर्ण ट्रायल के बाद में अभियोजन के द्वारा करीबन 8 गवाह प्रशिक्षित कराए गए और 124 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। पूरे मामले में सघनता से ट्रायल चलने के बाद में शीघ्र फैसला जो है जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आज जारी किया गया, जिनमें सभी 6 अभियुक्तों को 10-10 साल की कारावास से तथा 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने का आदेश जारी किया गया।